ओके सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है नोएडिक चैनल पर। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ धमाकेदार फीचर्स के बारे में। यहाँ पर सबसे पहले भाई ये कवर के बारे में, क्योंकि काफ़ी लोग मेरे को पूछने वाले हैं कि आपने भाई ये कवर कहाँ से लिया, कितने का लिया। तो मैं उनको बताना चाहूँगा, अगर आपको ख़रीदना है इस कवर को तो फिर आपको एक लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जा करके इस कवर को ख़रीद सकते हैं। काफ़ी अच्छा कवर है एंड प्रोटेक्शन भी काफ़ी बढ़िया करता है। मेरा एक दो बार डिवाइस गिर भी चुका है, पहले गिरा था एक बारी तो मेरे को यहाँ पर टेंट पड़ गया था, एज यू कैन सी हेयर। तो भाई जब से मैंने इसका कवर चेंज किया एंड हैवी वाला कवर जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन का, वाह। सबसे पहले तो भाई क्या वॉलपेपर है यहाँ पर। फिर मैंने ये कवर परचेज़ करा एंड ये जो कवर है ना काफ़ी अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करता है। इससे डिवाइस भी ज़्यादा मोटा नहीं होता जितना है, उससे थोड़ा सा में फ़र्क लगता है, बट भाई गिरने के हिसाब से काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन करता है। लुक देखो भाई क्या लुक दे रहा है। लिंक है वहाँ पर, टेलीग्राम का ग्रुप बजाओगे उसका जो ऑनर है ग्रुप का, आपको उस पर कॉन्टेक्ट करना होगा, वो आपको बता देगा किस तरीके से आपको ख़रीदना है कवर एंड वो खुद ही आपके घर तलक शिप कर देगा। इसका फिंगरप्रिंट तो प्रॉब्लम नहीं करता, चलो कहीं नहीं, कोई नहीं। सो आज की इस वीडियो में जिसके बारे में बात करने वाले हैं ना भाई, वो काफ़ी कमाल का एंड यूनिक फीचर है सैमसंग के स्मार्टफोन के अंदर। बिकॉज़ ये जो फीचर है ना, मतलब मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि सैमसंग कभी अपने मिड रेंज स्मार्टफोन्स के अंदर भी देगा, बट यहाँ पर दे दिया है तो ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सैमसंग के फ्लैगशिप फीचर्स के बारे में। मैंने पहले ही इसके ऊपर एक वीडियो और बनाई हुई है, अगर आपको वो वीडियो चेकआउट करनी है मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, आप वहाँ से जाकर के उस वीडियो को चेकआउट कर लेना। वहाँ पर भी मैंने आपको काफ़ी सारे ऐसे ऐसे फीचर्स बताए जो पहले फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स के लिए थे एंड वो अब आने स्टार्ट हुए हैं। एंड ये जो फीचर है ये अभी भी फ्लैगशिप स्मार्टफोन का ही है, अभी भी काफ़ी सारे लेटेस्ट ए सीरीज़ के स्मार्टफोन्स में भी नहीं है, जो हमें सैमसंग के A51 एंड A71, आई थिंक A50S एंड A70S के अंदर भी है, मुझे लगता है कि उनके अंदर भी है, बट यहाँ पर इन दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर है जो कि मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। जब मैंने इसको एज अ प्राइमरी हैंडसेट यूज़ करा तो उसके बाद में मुझे पता चला कि यहाँ पर काफ़ी कमाल का फीचर है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर एज पैनल एक्टिव नहीं है, तो सबसे पहले उसको एक्टिव कर दें। यहाँ पर हमें मिल जाएगा एज स्क्रीन, यहाँ पर यह फीचर है सबसे पहली चीज़, काफ़ी कमाल का फंक्शन है एंड मैं इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ डे टू डे यूजेज में। अभी फ़िलहाल ये बनता बिकॉज़ मैंने रिसेंटली अपने डिवाइस को फॉर्मेट करा था तो ये वापसी ख़त्म हो गया था, तो यहाँ पर ये काफ़ी कमाल का फंक्शन है। यहाँ पर आप देखोगे भाई साहब, जो हमें फ्लैगशिप में देखने को मिलते थे ना, वो फंक्शन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। सो यहाँ पर आप देखोगे कंपास का, टेलीकाउंटर का या फ्लैगशिप स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलता है, पीपल, एज पैनल, रिसेंट टास्क, वेदर, म्यूज़िक, सैमसंग इंटरनेट, रिमाइंडर एंड क्लिपबोर्ड, सभी चीज़ यहाँ पर है। बट सबसे खास ये है, ये जो है पहले सैमसंग की नॉट सीरीज़ में आया था एंड 99% लोगों को नहीं पता है कि इसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है, तो मैं आज इसी के बारे में डिटेल में बात करूँगा, क्योंकि एज स्क्रीन के बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ एंड आप इसको किसी भी सैमसंग स्मार्टफोन के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, बट ये नहीं कर सकते। एज स्क्रीन आप किसी भी सैमसंग के स्मार्टफोन में इंस्टॉल कर सकते हैं, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको देखनी है वो वीडियो तो फिर मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक चीज़ और, ये जो ऐप एज स्क्रीन है इसको आप सेटिंग में जाकर के कस्टमाइज भी कर सकते हैं एंड यहाँ पर ये सारी सेटिंग है एंड इसके जो एज स्क्रीन के डिज़ाइन है वो आप गैलेक्सी स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जो दो एक्स्ट्रा ऑप्शन देखने को मिलते हैं ना, ये असली चीज़ है, मतलब भाई इस पेज पर भी ये जो मेन चीज़ है वो ये दो हैं जो मैं बताना चाहता था आप सभी को इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले है एनिमेटेड जिफ, बेसिकली ये वही फंक्शन है जो हमें पहले सैमसंग के नोट 7 के अंदर देखने को मिला था। चेरी पिक द बेस्ट पार्ट्स सो यू कैन मेक योर मार्क, एंड ये फंक्शन काफ़ी कमाल का है, इसमें आप अपनी क्वालिटी भी एडजस्ट कर सकते हो, स्टैंडर्ड एंड हाई क्वालिटी, मैं रिकमेंड करूँगा हाई क्वालिटी सेलेक्ट करना। इसके अलावा यहाँ पर हमें जो है रिकॉर्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जैसे हम रिकॉर्ड पर क्लिक करते हैं तो ये 15 सेकंड का जिफ रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो जाता है, लाइक इस वक्त जो है ये यहाँ का जो एरिया है वो रिकॉर्ड कर रहा है एंड यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए कोई भी चीज़ नहीं है रिकॉर्ड करने के लिए, तो बट यहाँ पर अगर कुछ मूवमेंट होती तो फिर मैं उसको रिकॉर्ड कर सकता था एंड इसको फिर मैं सेव कर सकता था। फ़िलहाल तो ये एक नॉर्मल फ़ोटो ही लग रहा है एंड यहाँ पर इस डिवाइस के अंदर अभी के लिए कुछ पड़ा हुआ भी नहीं है जो कि मैं आपको दिखा सकूँ रिकॉर्ड करके एज अ जिफ। आप इसको ट्राई कर सकते हो यूट्यूब के अंदर काफ़ी इजीली। मैं फ़िलहाल हम इसके बारे में बात करेंगे,
दोस्तों यहाँ पर जो दो सिंपल से हमें स्क्रीन शॉट कैप्चर करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है, ये एक रेक्टेंगुलर है, ओके मैं ये कैप्चर करता हूँ एंड इसके बाद में हम यहाँ पर जो चाहे वो एडिट कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट इसी तरीके से भी सेव कर सकते हैं। एंड सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पर ये मैंने आज तक कभी यूज़ नहीं करा, देखते हैं इसमें क्या होता है। तो इसमें सिर्फ सर्कल है, मतलब इसका सर्कल तरीके से ये फ़ोटो कैप्चर होता है और ज़्यादा ख़ास कुछ नहीं। इस पर हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये रहा यहाँ पर कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं एंड फिर इसको हम सेव भी कर सकते हैं, ठीक है नहीं। तो ये चीज़ हो गई, मैं आपको दिखा दूँ ये दोनों किस तरीके से सेव हुए। ये हमने सर्कल वाला सेव करा, ये हमने रेक्टेंगल स्क्वायर जो भी था। यहाँ पर अगला फंक्शन जो है वो है पिन टू स्क्रीन। ऑलराइट, ये काफ़ी ज़्यादा मैंने यूज़ करा अपने नोट 9 के अंदर एंड ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट फीचर था नोट 9 के अंदर। एस पेन के अंदर हमें देखने को मिलते थे जिफ वाला भी और ये पिन टू स्क्रीन भी। एंड अब यहाँ पर सैमसंग की ए सीरीज़ में आ गए, ए सीरीज़ में भी सैमसंग के 4 स्मार्टफोन तो कन्फर्म्ड हैं, 2 का मुझे पता नहीं। तो यहाँ पर इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर हम जाएंगे पिन टू स्क्रीन पर, ये कुछ एरिया सेलेक्ट करने का हमें ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर हम कुछ भी कितना ही चाहें उतना एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइक मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड पिन टू स्क्रीन कर देता हूँ तो ये एरिया जो है यहाँ का यहाँ पर पिन हो जाएगा एंड मैं अपने स्मार्टफोन को यूज़ कर सकता हूँ। मैं इसको छोटा सा पॉपअप भी कर सकता हूँ इस तरीके से एंड जहाँ पर भी मुझे इसकी ज़रूरत होगी जस्ट मैं इस पर टैप करूँगा एंड ये जो है एक्सटेंड हो जाएगा। सो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है एंड मैं इसको कई जगह भी यूज़ करता हूँ, लाइक जब अपना बैंक का अकाउंट एक्टिवेट करता हूँ तो उस टाइम पे क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत डेबिट कार्ड की ज़रूरत होती है तो उस टाइम पे ये काम आता है। एंड काफ़ी सारी ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर कि हमें जो है कोई कोड होता है, EMI नंबर होती है, कहीं पर डालनी होंगी हमें अपनी EMI नंबर डिवाइस की, तो वहाँ पर जाकर के हम इसको पिन टू स्क्रीन कर देंगे एंड देन हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल फीचर है एंड डे टू डे यूजेज में मैं इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता था, काफ़ी कमाल का फंक्शन है। तो ये चीज़ थी जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताना चाहता था एंड ये फ्लैगशिप फीचर है जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया है। पहले ये कभी भी किसी ए सीरीज़ के स्मार्टफोन में नहीं आए, चाहे वो छोटा हो चाहे वो हाई मिड रेंज कैटेगरी का हो कैसे भी हो, बट अब जो सैमसंग कर रहा है ना वो अपना सॉफ्टवेयर को ही इतना बेहतर बना रहा है जिसके बाद में लोग उसके सॉफ्टवेयर की वजह से उसके स्मार्टफोन को परचेज करें। तो यही था आज के इस वीडियो में, आई होप आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो लगती है लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ आपसे किसी ऐसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, साइनिंग आउट।